Bismillahirrahmanirrahim. Students, I hope you all are doing well. Students, in previous lectures I have discussed two types of averages. First one is the arithmetic mean and second one is the geometric mean. Or in this lecture, that is the lecture number 14 of chapter number 3. थर्ड टॉपिक हमारे पास एवरेज का हार्मोनिक मीन है फॉर अनग्रुप एंड ग्रुप डाटा के लिए. तो स्टूडेंट्स, हार्मोनिक मीन जो है इसको नॉर्मली हम लोग यूज़ करेंगे ऑन द एवरेज स्पीड में, और इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर में जो है मैं आपसे इसके अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा को डिस्कस करूँगा और साथ में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी डिस्कस करूँगा. कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर्स आर, फर्स्ट पॉइंट पे हार्मोनिक मीन को मैं डिस्कस करूंगा फॉर अनग्रुप डाटा के लिए, और देन फिर उसके ऊपर एक्सरसाइज का क्वेश्चन अप्लाई करेंगे 3.16 के लिए, और इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी. और सेकंड पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा के लिए, और इसमें हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3.18 को डिस्कस करूंगा. स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगा हार्मोनिक मीन को फॉर अनग्रुप डाटा के लिए, और इसको सबसे पहले जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, देन फिर उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ द हार्मोनिक मीन. The harmonic mean of a set of n values x1, x2, so on xn, n values हमें given होंगी, is the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the values. मीन्स वो ये कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल यूज़ करेंगे. अगर आप देखें यहाँ पे 1 और x1 प्लस 1 और x2 प्लस so on 1 और xn, जितनी भी आपके पास रेसिप्रोकल्स हैं उनको ऐड करेंगे और उसको उसने डिवाइड किया है n से. दैट इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़. और देन फिर हम लोग इसको अगेन जो है इसका रेसिप्रोकल लेंगे. दिस इज़ कॉल्ड हार्मोनिक मीन. तो हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन आपको अंडरस्टैंड होगी. यूजली हार्मोनिक मीन इज़ डिनोटेड बाय H या H.M से भी इसको डिनोट किया जा सकता है, और द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़. तो आपके पास जो है वो हार्मोनिक मीन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रेसिप्रोकल्स लेने हैं और उनको n से अगर डिवाइड कर दें, दिस इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़. और देन अगेन उसका जो हम लोग रेसिप्रोकल यूज़ करेंगे अपने मीन का, अरिथमेटिक मीन का. तो ये n आपके पास जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और तमाम रेसिप्रोकल्स जो हैं वो आपके पास डिनोमिनेटर्स में एडिशन फॉर्म में आ जाएंगे. तो ये 1 ओवर x1 प्लस 1 ओवर x2 प्लस so on 1 ओवर xn, और देन आप इसको सम फॉर्म के अंदर राइट कर सकते हैं, समेशन फॉर्म के अंदर राइट किया जा सकता है तमाम रेसिप्रोकल्स को. और ये समेशन 1 ओवर xi और n से इसको डिवाइड कर देंगे. दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन, और सिंपली यू कैन राइट एज h हार्मोनिक मीन इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समेशन 1 ओवर x. तो आपने अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ रेसिप्रोकल्स, यानी आपके पास एक तो वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल है, और देन फिर उसके अरिथमेटिक मीन उसका लेंगे और उसका फिर अगेन रेसिप्रोकल है. तो अगेन मैं इस डेफिनेशन को डिस्कस कर देता हूँ कि हार्मोनिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ n वैल्यूज़ इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़. ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास हार्मोनिक मीन की एक एक्सप्लेनेशन थी और उसकी एक डेफिनेशन थी, साथ में उसके फार्मूले को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया. Now students, we can apply harmonic mean on example 3.16. Now students, I have chosen very simple example from your chapter number 3, example 3.16. Compute the harmonic mean of the values. तो आपके पास यहाँ पे different values जो हैं given हैं 3, 5, 6, 7, 8, 10 and 12, और इसका हमने हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है. तो हार्मोनिक मीन की अगर आप डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो इसमें हमने सबसे पहले जो है फाइंड करना है रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी वैल्यूज़ को राइट करना है कॉलम में एक्स वैल्यूज़ को जो आपकी गिवन है. जो वैल्यूज़ भी आपको गिवन है वो आपकी एक्स वैल्यूज़ होंगी 3, 5, 6, 7, 10 एंड 12. और नाउ स्टूडेंट्स कैलकुलेट द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़. तो रेसिप्रोकल्स को आपने डिनोट करना है 1 ओवर x 1 से तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे. तो 1 डिवाइडेड बाई 3 0.333, और 1 डिवाइडेड बाई 5 0.20। तो आप अपने स्टूडेंट्स अपने कैलकुलेटर को 2, 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको फिक्स कर सकते हैं। 1 डिवाइड बाई 6 0.1667, 1 डिवाइड बाई 6 इज अगेन 0.1667 एंड 1 डिवाइड बाई 7 0.1429 एंड 1 डिवाइड बाई 10 0.1 और 1 डिवाइडेड बाई 12 0.08। आपने कैलकुलेट कर लेना है तमाम के तमाम वैल्यूज़ के रेसिप्रोकल्स को, देन यू कैन ऐड ऑफ दिस कॉलम। तो समेशन 1 ओवर x 1.1929, ये मेरे पास समेशन 1 ओवर x है, रेसिप्रोकल्स का सम है। नाउ वी कैन पुट इन दिस फार्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन। तो आपने हार्मोनिक मीन को फार्मूले में पुट कर देंगे, फार्मूला फॉर अनग्रुप्ड डाटा। राइट साइड में मैंने इसको यहाँ पे फाइंड कर लिया हार्मोनिक मीन को। एन हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज 7 है और 1.1929 से इसको डिवाइड कर दें, तो 7 डिवाइडेड बाई 1.1929 और आंसर इज 5.87। दिस इज द हार्मोनिक मीन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हार्मोनिक मीन को। अगर आपको सिंपल जो है वो अनग्रुप्ड डाटा में सिंपल आपको वैल्यूज गिवन है, तो यू कैन calculate harmonic mean from this way. Now students, I will explain harmonic mean for group data. The explanation of the harmonic mean for group data is, suppose that x1, x2, so on xk represent the class marks for frequency distribution. और जब आपके पास group data given होगा तो x1, x2 are my class marks or midpoints of a particular class, and f1, f2 and so on fk as the corresponding frequencies, where f1 plus f2 plus so on fk equal to summation f, which is also equal to n, which is also called n. Then the reciprocal of the class marks are 1 over x1 plus 1 over x2 so on 1 over x के। तो आपने अपने क्लास मार्क्स के तमाम जो है वो रेसिप्रोकल्स को फाइंड करना है। देन सिंस टोटल वैल्यूज ऑफ द रेसिप्रोकल्स इन द फर्स्ट क्लास इज f1 by x1, और वो कह रहे हैं कि तमाम फर्स्ट क्लास के तमाम रेसिप्रोकल्स जो हैं उनकी वैल्यूज, टोटल वैल्यूज जो हैं वो आप इसको उसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर जो आपके पास रेसिप्रोकल होगा 1 ओवर x1 को। तो वो आपके पास f1 by x1 भी इसको हम लिख सकते हैं इन द सेकेंड क्लास f2 by x2 और इन द kth क्लास fk by xk. The sum of the reciprocal, the sum of the reciprocals in all the k classes is, इन तमाम को अगर आप ऐड कर लें f1 over x1 plus f2 over x2 so on fk over xk, तो आप इसको राइट कर सकते हैं सम फॉर्म के अंदर, समेशन i वेरी 1 to k fi over xi। तो i से इसको मैंने डिनोट किया है कि आपके पास kth क्लास मार्क्स हैं अगर, तो आप इसको यूँ राइट कर सकते हैं fi over xi और i वेरी 1 to k। और अगर आप i यूज़ नहीं करना चाहते तो नॉर्मली आप लोग जो है इसको यूँ भी राइट किया जा सकता है, समेशन f इंटू 1 by x। तमाम हमने रेसिप्रोकल्स को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया है, तो इस मीन दैट कि आपके पास फर्स्ट क्लास के या रेसिप्रोकल्स के टोटल वैल्यूज जो है वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो इसी तरह से सिमिलरली समेशन फॉर्म में आपके पास तमाम की तमाम क्लासेस के अंदर उनके रेसिप्रोकल्स जो है वो रेसिप्रोकल्स के टोटल्स का सम आ जाएगा। नाउ आई विल फाइंड द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द फार्मूला फॉर हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा, और इसके लिए आपने स्टार्ट लेना है तमाम की तमाम फ्रीक्वेंसीज जो है वो हमारे पास आ जाएंगी आपके पास डिनोमिनेटर में f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन प्लस fk, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू समेशन f और n। और रेसिप्रोकल्स जो हैं उनको हमने अपनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है तमाम रेसिप्रोकल्स को। तो आप 1 बाय x1 इन मल्टीप्लाई बाय f1, और नॉर्मली आप लोग इसको यूँ भी लिखा जा सकता है f1 डिवाइडेड बाय x1। तो सेकंड रेसिप्रोकल आपके पास f2 ओवर x2 है और सो ऑन आपके पास kth रेसिप्रोकल बनेगा क्लास मार्क्स का 1 ओवर x1 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे fk यानी अपनी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी से, और इसको सम फॉर्म में अगर आपने राइट करना है तो ये ऊपर समेशन f आ जाएगा fi और समेशन f इंटू 1 ओवर xi। और नॉर्मली अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इसको अगर राइट करना चाहते हैं तो ये समेशन f जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे पुट कर दे जाते हैं, लेकिन ये कि यहाँ पे आपने इस तरह से करना है समेशन f डिनोमिनेटर में, और आप इसको इसकी इस फॉर्म में भी इसको राइट कर सकते हैं समेशन, और f को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये f बाई एक्स यूज़ कर लें। तो ये फार्मूला भी स्टूडेंट्स नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होंगे और f बाई एक्स का एक कॉलम जनरेट करेंगे और देन फिर उस कॉलम का सम फाइंड करेंगे, ठीक है। और राइट साइड पे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, इसके फार्मूला को समेशन f आप लिख लें, आई अगर आप यूज़ नहीं कर रहे, और समेशन f इंटू 1 बाई एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मीन्स दैट कि आपने रेसिप्रोकल्स को फाइंड करना है और देन फिर उसकी फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई करना है। और आप अगर इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे तो आप नॉर्मली डायरेक्टली जो है अपनी फ्रीक्वेंसीज को रेसिप्रोकल्स पे डिवाइड करते हैं। तो आपके पास ये दो टाइप्स हैं इसके अंदर हार्मोनिक मीन के फार्मूला के अंदर, तो कोई भी टाइप जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्वेयर समेशन f इक्वल टू n, दिस इज समटाइम्स कॉल्ड वेटेड ज्योमेट्रिक मीन विद वेट्स f1 f2 सो ऑन fk। तो इसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन के वेटेड ज्योमेट्रिक मीन से भी इसको जो है वो आपके पास इसको लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला मैंने आपसे डिस्कस किया और उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3.1 एक मैंने चूज़ किया आपकी एक्सरसाइज से फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 से। तो इस पे हम अप्लाई करते हैं ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा के लिए। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3.18 कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें ये ग्रुप डाटा फॉर्म के अंदर जो है वो एक डाटा गिवन है और यहाँ पे हमारे पास क्लास मार्क्स गिवन है और उसके बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। तो इस पर हम अप्लाई करेंगे हार्मोनिक मीन को फॉर ग्रुप डाटा के लिए। In the solution of exercise question, students, first of all, you write both of the x and f in column form. तो आपने सबसे पहले इसको column में write कर लें, then फिर according to formula we have to calculate the reciprocal of the values 1 over x and then फिर I can multiply with corresponding frequencies। तो स्टूडेंट्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग इनके रेसिप्रोकल्स को। 1 और x का एक कॉलम आप जनरेट करेंगे यहाँ पे और 12 को डिवाइड करेंगे 1 से, 1 बाई 12 इक्वल टू 0.0833। और स्टूडेंट्स अपने कैलकुलेटर को जो है वो आप फिक्स कर लें 3 और 4 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर, और 1 बाई 1 आपने ईच वैल्यू ऑफ x का रेसिप्रोकल जो है वो कैलकुलेट करना है यूजिंग कैलकुलेटर। 1 डिवाइडेड बाई 14 आंसर इज 0.0714 और देन 1 बाई 16 आंसर इज 0.0625, 1 बाई 18 आंसर इज 0.056 और 1 बाई 20 और आंसर इज 0.05 और लास्ट वन इज द 22 का रेसिप्रोकल 1 बाई 22 और ये इक्वल होगा आपके पास 0.0455 से। देन आपने अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर राइट साइड पे आप देखें तो आपने अपने रेसिप्रोकल्स को जो है वो मल्टीप्लाई करना है f से। तो मैंने यहाँ पे जो है वो लास्ट कॉलम में यू कैन सी हेयर f इंटू 1 बाई एक्स। तो आपने यहाँ पे इनको अपने रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लाई करना है कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज से और देन इसका सम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका सम कैलकुलेट करना है और ये सम जो है वो 1.7404 है। और स्टूडेंट्स सेकंड मेथड इसमें ये हो सकता है कि आप डायरेक्टली जो है वो आप अपनी फ्रीक्वेंसीज को f को x के कॉलम से डिवाइड कर लें तो सेम आंसर आपके पास आ जाएगा। उसमें आपके पास सिर्फ एक सिंपल कॉलम जनरेट होगा और वो आपके पास यहाँ पे f डिवाइडेड बाय x का कॉलम होगा, तो वो भी उससे भी आप जो फाइंड किया जा सकता है। इसमें रेसिप्रोकल्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी से साथ ही मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं जिसको मैंने फॉलो किया है यहाँ पे, तो आप 1 बाई एक्स पहले रेसिप्रोकल्स फाइंड करेंगे, देन उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और देन उसका सम फाइंड करेंगे। और समेशन f इक्वल टू 30 which is also equal to n। तो इसको हम लोग जो है ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पे 30 हैं और आपने ये डिनोमिनेटर में यहाँ 30 यूज़ कर लिया समेशन f की जगह और 1.7404 आंसर इज 17.24। तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन हमने कैलकुलेट कर लिया है फॉर ग्रुप डाटा के लिए। इसमें आपके पास जो है वो क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसीज गिवन थी। अगर आपके पास यहाँ पे क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज गिवन होंगी तो उसका आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है क्लास मार्क को और देन फिर आपने उसको आगे उसके रेसिप्रोकल्स को यूज़ करते हुए हार्मोनिक मीन को फाइंड करना है। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव लर्नड हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।